इंडिया को भारत से कनेक्ट करता है मन की बात। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे बड़े मीडिया संस्थान IIMC का सर्वे भी आपके सामने है। आधुनिक भारत के निर्माण में मददगार है मन की बात। 76% लोगों ने कहा कार्यक्रम से असली भारत के दर्शन हुए। 75% ने कहा जमीनी स्तर के इनोवेटर्स सामने आए। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है IIMC के सर्वे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के सर्वे में। और ये भी कहा है कि मन की बात सुनने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। 75% ने कहा है कि जमीनी हकीकत बताया जाता है मन की बात में और लोगों को इंडिया को भारत से कनेक्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है जो सर्वे में निकल कर सामने आए, यानी भारत की जो प्रतिभा है वो भारत से ही उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसका परिचय भारत से ही कराया जाता है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, IIMC के डायरेक्टर। प्रोफेसर द्विवेदी, सबसे तो पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने आप लोगों को भी मन की बात के प्रति इंस्पायर किया। आप लोगों ने ये सर्वे किया और वाकई कई अहम जानकारियां, कई अहम तथ्य इस सर्वे में IIMC के सामने आए। देखिए, मेरा मानना है कि हम देश के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं जी, और कम्युनिकेशन की मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई एक्टिविटीज भारत सरकार की ओर से आज तक नहीं हुई। भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति ने लगातार लोगों से संवाद किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कम्युनिकेशन की दृष्टि से, पॉजिटिव कम्युनिकेशन की दृष्टि से, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की दृष्टि से, कि न सिर्फ लोगों को उन्होंने बातें की बल्कि लोगों की आदतों में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया, एक सकारात्मक बदलाव की तरफ प्रधानमंत्री ने प्रेरित किया। मुझे लगता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन की दृष्टि से अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और इस नाते भारतीय जनसंचार संस्थान प्रेरित हुआ और इसके प्राध्यापकों ने मीडिया के लोगों से, मीडिया के प्राध्यापकों से, मीडिया के छात्रों से बातचीत की और जो निष्कर्ष निकल करके आए हैं वो अपने आप में बहुत ही सकारात्मक है, जिसके नाते इस कार्यक्रम की जो वैधता है वो प्रमाणित होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह काम किया कम्युनिकेशन के मोर्चे पर, आप देखिए कि लगभग जो है 730 तो पॉजिटिव जो काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बताया उन्होंने, बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति सामान्य जनों के कामों को रेखांकित कर रहा हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात ये आपने कही कि सामान्य जन व्यक्ति जिनका अलग रिप्रेजेंटेशन रहा है, अलग अलग प्रतिनिधित्व रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, उनको उजागर किया है। ये बहुत बड़ी बात है जो मन की बात के जरिए सामने आई है। हमने लेकिन स्टूडियो में भी एक विशेष तैयारी की है और हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर डिफेंस क्षेत्र से जुड़े गणमान्य मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ यहां पर डिप्लोमेट्स भी मौजूद हैं जो सब सुनते हैं मन की बात को और आज शतक लगने जा रहा है तो सब सुन भी रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो औषधि के क्षेत्र में जितना काम हुआ है और जितना लोगों तक पहुंचा है, जितना जागरण लोगों तक पहुंचा है वो बताने के लिए वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, वकील जो कि लॉ के क्षेत्र में हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, और हमारे साथ किसान भाई भी मौजूद हैं। ये तस्वीर बताती है कि भारत में एक अलग रंग है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। जल्दी से कैप्टन श्याम अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मन की बात के तमाम एपिसोड्स आपने भी सुने होंगे, सबसे खास बात क्या नजर आई? मुझे ये लगता है कि एक लीडरशिप का लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना, हाँ, और एक फीडबैक मैकेनिज्म के साथ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स को करते रहना, हाँ, एक बहुत बड़ी बात है। तो अंडरस्टैंडेबल, कंज्यूमेबल, प्लेटेबल एक चीज मिलती है दर्शकों को, लोगों को, व्यूअर्स को, और वो देश के साथ अपनी प्रोग्रेस में जुड़ पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सर भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जल्दी से। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैं इनको बकायदा सुनता रहता हूँ और आज जो अनप्रेसिडेंटेड क्यों मैं लाइक करता हूँ, एक तो है वुमेन पावर, वुमेन एंटरप्राइजेस उनको बढ़ाना, नंबर टू जी स्टूडेंट्स के ऊपर बात करना, नंबर थ्री एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना है, नंबर फोर इनके जो बात था मन के बात में कोविड के ऊपर वो पूरा देश को छू गया था। थैंक्स एंड सैल्यूट टू मिस्टर मोदी फॉर कोविड एंटरप्रेन्योर, जिसके लिए आज भारत ऑल ओवर वर्ल्ड में चैंपियनशिप लिया है कोविड के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कोचर साहब, ये जो कनेक्ट स्थापित किया जाता है आम जनता के साथ, जो कनेक्ट स्थापित किया जाता है मन की बात को में, उसे कैसे देखते हैं?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेडियो जो मीडियम इसको सिलेक्ट किया है जी, और 600 ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस हैं, हाँ, जहां से ये टेलीकास्ट होता है 23 लैंग्वेजेस में होता है, राइट, 52 डायलेक्ट्स में होता है और 11 फॉरेन लैंग्वेजेस में होता है। तो इसका ये मतलब है कि इसकी रीच जो है प्रोग्राम की, हाँ, वो गांव गांव तक, शहर शहर तक, और आईएमसी का जो हमने सर्वे दिखाया उसमें 65% लोग तो हिंदी में ही सुनते हैं सर। बिल्कुल, और इतना इसको ट्रांसलेट भी उसी रीजनल लैंग्वेजेस में भी किया जाता है, जिससे लोगों को एक्चुअली समझ आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर की मन की बात क्या है। बिल्कुल, और स्पेशली इसका जो इसको जो अच्छा मुझे लगता है दूर दराज के इलाके में रहने वाले कुछ लोगों को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया, जिस तरह से पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ मन की बात के जरिए, वो अपने आप में वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही राठौर साहब। आप सही कहते हैं समीर, यहाँ पर जो है राष्ट्र निर्माण में एक छोटे से छोटे आदमी का योगदान कभी भी आज तक किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। आज आप देखते हैं कि एक छोटा कोई ऑर्गन डोनर है, या किसी ने कोविड में कोई काम किया है जी, या किसी ने एनवायरनमेंट का काम किया है, हाँ, ये सारी चीजें उभर के सामने आ रही हैं। राष्ट्र निर्माण कोई हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट एक्शन से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण में हर आदमी का योगदान है। आज प्रत्येक भारतीय जानता है कि मेरे योगदान को सराहने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए इस दुनिया में, इस भारत में अगर कोई मंच है तो मन की बात है। बहुत बड़ी बात है सर आपने कही।